नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाने में जुटे छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। खास बात है कि ये ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नीट परीक्षा विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। दरअसल पीएम मोदी ने विदेश में शिक्षा हासिल करने जा रहे छात्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं, उनके लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं। हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के समय बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र भारत लौटे थे। उन्होंने कहा कि आज करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे देशों में जाना पड़ रहा है, जब कभी सोचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा मैंने, बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का जीवंत अंतरिक्ष क्षेत्र भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जीवंत होता जा रहा है, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, हमने इसे अतीत की बंदिशों से भी मुक्त कराया है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।